नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया गया। इसी के साथ चार दिनों तक चले छठ पर्व का समापन हुआ। 11 नवंबर 2021 दिन गुरुवार को सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई। छठ पूजा के आखिरी दिन उषा अर्घ का दिन भी कहा जाता है। इसे पारण भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ व्रत का पारण कर लिया जाता है। तो छठ पर्व के आखिरी दिन सुबह से ही नदियों के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो जाती है और इस दिन व्रती और उनके परिवार के लोग नदियों के किनारे बैठकर जमकर गाना बजाना करते हैं और उगते सूर्य का इंतजार करते हैं। सूर्य जब उगता है तब उसे अर्घ अर्पित किया जाता है। इसके बाद व्रती एक दूसरे को प्रसाद देकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद व्रती अपने घर आकर अदरक और पानी से अपना 36 घंटे का कठोर व्रत खोलती है। व्रत खोलने के बाद स्वादिष्ट पकवान खाए जाते हैं और इस तरह पावन व्रत का समापन हो जाता है। यानी चार दिन के इस महापर्व का आज आखिरी दिन था और उगते सूर्य को अर्घ देकर इस पावन पर्व का पारण किया गया है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह से ही इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। घाटों पर लोग पहुंचे, उसके बाद व्रत पूरा कर वहां से लौटते हुए नजर आ रहे हैं।